हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं साइकिल वाली लड़की को कैसे पटाएं। आप किसी से प्यार करते हैं या कोई आपको पसंद है तो वैसी लड़की आपकी लाइफ पार्टनर बन सकती है और आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। आपने कभी देखा होगा जब आप मार्केट निकलते हो तो कुछ लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, कुछ लड़कियां कॉलेज जाती है, कुछ लड़कियां घूमने जाती है, कुछ लड़कियां साइकिल चला के मार्केट करने के लिए निकलती है। उनमें से कोई लड़की ऐसी हो जो आपको पसंद लगती हो, उसके सुंदरता आपको बहुत अच्छी लगती है या उसकी नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो नेचर होता है। सपोज़ कोई लड़की आपको पसंद आ गई, जैसे कि मैं छोड़ मजाक कर रही थी, तो आप उस लड़की को पटाना है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको केयर करने लग जाओगे और उसके साथ साथ आप भी साइकिल चलाने मत लग जाना। आपके पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो वैसे भी लड़की को आप इसको ना नोटिस करने की कोशिश करें। और हाँ, ऐसा ना हो कि उसके पास जाकर अचानक गए और कह दिए कि आप अपना फ़ोन नंबर दोगे तो लड़की ज़रूर उस लड़की से आप पिट ही जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी भी लड़की से ना नंबर मांगने के लिए, कोई भी लड़की आपको पसंद हो, कुछ बहाना ढूंढिए कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, क्या आप अपना फ़ोन देंगे, मुझे किसी से कॉल करने हैं। ऐसे करके आप नंबर मांग सकते हैं और डायरेक्टली आप कोशिश करोगे कि नहीं, मुझे नंबर दो, मुझे तुमसे बात करना है ना, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के ना शिकार हो सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी भी लड़की से कभी भी डायरेक्ट ना नंबर नहीं मांगते। कई लड़के पता है क्या करते हैं, कोई लड़की पसंद आएगी उसको बोलते तुम अपना नंबर दो, मुझे तुमसे बात करना है, तो ऐसे में ना लड़की आपको इग्नोर कर सकती है और आपको गाली भी दे सकती है और आपके बारे में नेगेटिविटी भी सोच सकती है। तो ऐसी हामी अपना इमेज किसी भी लड़की के सामने बिल्कुल भी ना बनाए और हमेशा उससे कोई ना कोई बहाना से नंबर, जैसे उसके पास गए आप उसको बोलो कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो आप, यहाँ पे कैसे आना हुआ, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। जब ऐसी कोई लाइन आप बोलोगे ना तो ऐसी लाइन को ना आपका पसंद आ जाएगा उसको कि ये लड़का मुझे तो जानता नहीं है तभी मेरे से पूछ रहा है, तो वो भी आपके बारे में जानने की कोशिश करेगी आप कहाँ से हो। तो अच्छा, ऐसे करके भी बहुत सारी चीज़ें आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, डायरेक्टली नंबर लेने से तो फ़ायदा तो है नहीं, नंबर ले लिया उसको कॉल कर दिया डायरेक्टली, क्या पता वो आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाल सके। तो आप उनसे बात करते करते पूछो कि आप व्हाट्सएप चलाती हो या कोई सोशल साइट चलाती हो, तो ऐसे में क्या होगा कि वो लड़की खुशी खुशी आपको सोशल साइट भी नंबर आपका बता सकती है और उसके द्वारा भी आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं। तो साइकिल वाली लड़कियां भी ना, एक उनको भी एक साथी चाहिए होता है जो सपोर्ट करे, उनका ख्याल करे और साथ में रहे, क्योंकि हर इंसान आजकल के भागा दौड़ी में ना बहुत अकेला रहता है। तो ऐसे में आप लोग अपने लाइफ में खुश रहें, अच्छे से रहें और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड होती है उनका ख्याल रखे। टिल देन फिर मिलते हैं।